शुक्रगुजार हैं आपके कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको तमाम को बुलाया गया। मुझे भी सुबह कहा गया, सीपीओ साहब जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज है नहीं, छुट्टी के ऊपर हैं, तो सीपीओ साहब ने कहा कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है, बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है एक गुजरांवाला पुलिस को, तो उसको साफ़ी बिरादरी के साथ उसको शेयर किया जाए, पब्लिक के साथ शेयर किया जाए और बताया जाए कि ये जो एक बहुत खौफ और हिरास का एक सिलसिला शुरू हुआ था अप्रैल के महीने से, अप्रैल में पहला वाकया हुआ था कि और उसको ट्रेस नहीं हुआ था कि एक छत के ऊपर जो है वो एक खातून को ईंट मार के कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ऐसे वाकयात होते रहे और ऐसे 5 वाकयात फिर हुए जिसके अंदर 4 खवातीन या हजरात को कत्ल किया गया और 3 मजरूब हुए, शदीद मजरूब हुए। इसके अंदर एक डर खौफ का मामला था, हर वाकया एक तरीके का था, छत के ऊपर वारदात हो रही थी, सोते के अंदर वारदात हो रही थी। गुजरांवाला में भी बस कॉलोनी पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीरियल किलर अरसलान पीपल्स कॉलोनी का रिहायशी है। मुलजिम ने मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद को ईंटे और कंदाला से वार कर कत्ल किया। मुलजिम रात के अंधेरे में घर की छतों पर चढ़कर वहां सोए अफराद को कत्ल करता था। मुलजिम अरसलान ने मुजम्मिल बीबी, महमूद मोहम्मद बूटा, तंजीला बीबी, आसिफ जमील, नबीला और अजल खान को कत्ल किया था। मुलजिम के हमलों में 3 शहरी मोहम्मद शफीक, नुसरत और रहीला बीबी जख्मी भी हुए हैं। मुलजिम ने 2 साल कबल भी खातून का कत्ल किया था। मुलजिम अरसलान का ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुलजिम ने शादी ना होने और घरेलू हालात से दिल बर्दाश्त होकर तशद्दुद की राह अपनाई। इब्तदाई तफ्तीश, मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। डॉक्टर रिजवान खान।